नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहतगी। आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ कुछ और ऑन सुंदरवन एपिटोम कोऑपरेटिव हाउसिंग सर्विस सोसाइटी। अगर ये एक लीगल सर्विस सोसाइटी है, क्योंकि महालक्ष्मी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी भी एग्जिस्ट करती है, एंड लाइफ के अंदर, भारत के अंदर बहुत कुछ हो सकता है जो शायद हमें पता नहीं होगा। सो अगर ये सोसाइटी लीगली बनाई गई है, विच आई रियली डोंट नो हाउ, बट अगर ये लीगली बनाई गई है, तो ये सोसाइटी ने हमसे जो डिवेलपमेंट फंड लिया है वो आई थिंक गलत लिया है, बिकॉज जो चार पॉइंट्स है इन द गुजराती रजिस्टर्ड बायलॉज, वो चार पॉइंट्स है कि आप एडमिशन फी ले सकते हैं, शेयर सर्टिफिकेट के नाम पे पैसा ले सकते हैं, मेंटेनेंस के नाम पे पैसा ले सकते हैं और सर्विसिंग के नाम पे पैसा ले सकते हैं। आप डेवलपमेंट के नाम पे पैसा नहीं ले सकते, एज पर व्हाट आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द इजी गुजराती ट्रांसलेशन डन बाय माई सेल्फ। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, मने थोड़ी बहुत गुजराती आवड़े छे, कारण के मैं गुजराती वाची छे, ज्यारे हूँ स्कूल मां पढ़ती थी, यू नो, इन गुजरात, इन अहमदाबाद, बट आई एम नॉट अ ट्रांसलेटर, आई कैन नॉट डू एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ऑफ 15 पेजेस एज पर लीगल करेक्टनेस। तो मैं यहाँ पे जो समझ पाई हूँ वो ये है कि चार पॉइंट्स के आधार पर आप पैसा उठा सकते हैं। वो चार पॉइंट्स है एडमिशन, शेयर सर्टिफिकेट, मेंटेनेंस एंड सर्विस। आप कहीं से भी डेवलपमेंट के नाम पे पैसा नहीं उठा सकते, बट इन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे पैसा उठाया है और इन्होंने बिल भी दिया है एज डेवलपमेंट फंड, जो कहीं ना कहीं मुझे समझ नहीं पड़ता। मैं आपके साथ बिल की कॉपी भी शेयर करने वाली हूँ, मैं आपके साथ वो गुजराती में जो चार पॉइंट्स है जिनके आधार पर पैसा उठा सकते हैं वो भी शेयर करने वाली हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि इन्होंने जो डगअप किया था, जो डगअप का मैंने वीडियो पहले बनाया था, वो डगअप में ये लोग वाटर प्रूफिंग कर रहे हैं, विच इज ऑब्वियसली मेंटेनिंग एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। कोई नया स्ट्रक्चर ये लोग नहीं बना रहे हैं एज ऑफ नाउ। तो उन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे फंड क्यों लिए, बिकॉज बहुत ज्यादा उड़ती उड़ती एंड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ये लोग फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा जो योगा रूम है वहां पर ऑब्वियसली लाइट का प्लग, जो स्विच बोर्ड होता है, वो कब से खराब है। दिवाली के टाइम से जो लाइट्स लगी हुई है वो कच्ची तार से जुड़ी हुई है एंड उसको अभी तक ठीक नहीं किया, इन स्पाइट ऑफ टेकिंग नियरली 150,000 फ्रॉम अस। एंड अब ये लोग हमसे और 3 महीने का मेंटेनेंस का पैसा चाहते हैं इन फर्स्ट गो ओनली। दे डोंट वॉन्ट इट एट द एंड ऑफ द मंथ, दे वॉन्ट इट इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ फॉर फर्स्ट 3 months विदाउट इवन डिस्कसिंग दिस इन अ जनरल बोर्ड मीटिंग, जनरल यू नो GBM। तो GBM में डिस्कस करे बिना ये ऑब्वियसली हमको नोटिस देते हैं कि इनको आने वाले 3 महीने का पैसा पहले से ही चाहिए और 15 दिन में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली दिस इज अथॉरिटेटिव बिहेवियर, मगर हम ऑब्वियसली कुछ बोले तो हम गलत है। इट इज अ सिचुएशन लाइक तुम्हारा कुत्ता टॉमी, मेरा कुत्ता कुत्ता, एक्सक्यूज मी, कुत्ता तो कुत्ता है ना, चाहे तुम्हारा हो या मेरा हो। एंड देन दे विल से दैट पायल रोहतगी इज यूजिंग बैड लैंग्वेज, एक्सक्यूज मी, एड्रेसिंग अ प्रॉब्लम, इशूइंग योर ओन स्टेटमेंट, योर ओन ओपिनियन ऑन अ प्रॉब्लम डज नॉट मीन यू आर यूजिंग अ बैड लैंग्वेज। आप अगर एक सीनियर को भी एड्रेस कर रहे हैं, मगर प्रॉपरली एड्रेस कर रहे हैं और कॉल आउट कर रहे हैं उनकी हिपोक्रेसी, देन यू हैव अ राइट टू डू दैट, बिकॉज सीनियर्स कैन ऑल्सो मेक मिस्टेक्स, ग्रोइंग अप एंड ग्रोइंग ओल्ड, टू डिफरेंट थिंग्स, मैच्योरिटी डज नॉट कम विद एज। मगर यहां पर बहुत ज्यादा वियर्ड थॉट प्रोसेस है। वियर्ड थॉट प्रोसेस ये है कि आप गुजराती में ट्रांसलेशन गुजराती का हम ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, आप जाके खुद डिक्शनरी लेके पढ़िए। एक्सक्यूज मी, वाई आर यू डूइंग दिस गुजराती नॉन गुजराती थिंग, वाई आर यू नॉट ट्राइंग टू कोऑपरेट बाय giving across whatever points you have registered in the registrar's office properly to people who are non-Gujarati. तो यहाँ पर एक thought process है, वो thought process को मैं address कर रही हूँ क्योंकि society के WhatsApp group में message आता है from the senior most lawyer saying that excuse me, we want friendship and happiness in the family. Yes, we all want friendship and happiness in the family, मगर draft आपने ही बनाए sir, और ये draft को आपके ही chairman ने approve किए sir, और ये draft की वजह से ही ये present discussion हो रही है। और मुझ जैसे और भी बहुत सारे सोसाइटी के अंदर फ्लैट ओनर्स होंगे जो अपनी सोसाइटी कमिटी का अत्याचार सहन कर रहे होंगे, सो आई रिक्वेस्ट देम ऑल टू स्टार्ट मेकिंग वीडियोस एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट दे आर फेसिंग इन देयर सोसाइटी। क्योंकि जो सोसाइटी के बायलॉज है ये बनाए गए थे थ्रू ब्रिटिशर्स, एंड आई थिंक ब्रिटिशर्स हमारा देश छोड़ के चले गए, तो जो कानून अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे वो कानून को आज की तारीख में एग्जिस्ट होने का कोई राइट नहीं है। आई चैलेंज द बायलॉज इफ द बायलॉज आर चैलेंजिंग माई फंडामेंटल राइट्स विच आर गिवन टू मी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। सिंपल, क्लियर, स्ट्रेट सभी सोसाइटी के फ्लैट ओनर्स को कहना चाहती हूं, चैलेंज द बायलॉज इन योर सोसाइटी, बिकॉज यू हैव अ राइट टू चैलेंज दोज बायलॉज, बिकॉज आपको आपका भारत का संविधान ये हक देता है। अगर सोसाइटी के कोई भी बायलॉज आपका फंडामेंटल राइट छीनते हैं, देन यू हैव अ राइट टू फाइल अगेंस्ट इट, फाइट अगेंस्ट इट, फाइल अ केस अगेंस्ट इट, एंड आई विल सपोर्ट ऑल ऑफ यू। बिकॉज यहां पर मैं भी समझने का प्रयास कर रही हूं कि ये जो सुंदरवन एपिटोम कोऑपरेटिव हाउसिंग सर्विस सोसाइटी है, इसके कमिटी वाले
ना हमको अभी तक फॉर्म देकर एडमिट करते हैं सोसाइटी के अंदर, ना हमको अभी तक शेयर सर्टिफिकेट देते हैं, और ज्ञान पेले जा रहे हैं कि भैया फ्रेंडशिप है, फैमिली है। जी हाँ, फ्रेंडशिप और फैमिली है। हमने बैठ के ऐसा ड्राफ्ट नहीं बनाया जो हमारा गला घोट रहा है, आपने बैठ के डीप थिंकिंग से ऐसा ड्राफ्ट बनाया जो हमारा गला घोट रहा है और आपको पूरी आजादी दे रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप ट्रांसपेरेंट होइए, आप हमें बताइए कि आपने डेवलपमेंट के नाम पे फंड्स कैसे लिया, जब ये चार मुद्दों के ऊपर आप पैसा ले सकते थे और चार मुद्दे थे एडमिशन, शेयर सर्टिफिकेट, मेंटेनेंस एंड सर्विस, तो डेवलपमेंट के नाम पे आपने कैसे पैसा लिया, फिर डेवलपमेंट के नाम पे आपने बिल इशू किया और अभी तक आपने वो लाइट भी ठीक नहीं करी जो दिवाली के टाइम से लगी हुई थी, उसका प्लग पॉइंट अभी भी कच्ची तार के साथ लगा हुआ है। ये आप जो लाइट देख रहे हैं ना, ये लाइट दिवाली के टाइम से लगी हुई है, ये कच्ची लाइट ऐसे रोशनी करने के लिए, इनको प्रॉपर लाइट्स नहीं लगानी। और ये लाइट जिस प्रकार से लगी हुई है ना, शॉट में आपको सुबह दिखाऊंगी जब मैं योगा करने जाती हूँ, इतना कच्चा काम किया हुआ है कि किसी के पैर में अगर ये वायर आए तो दैट पर्सन कैन फॉल डाउन। तो ये वायर दिवाली के टाइम से लगी हुई है, इन्होंने अभी तक इसको पक्का काम नहीं कराया। आई थिंक जनवरी के महीने में या फरवरी के महीने में, जो भी हो, जब भी ये सोसाइटी बनी, दिसंबर एंड जनवरी, उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने 1,00,000 लिया डेवलपमेंट के नाम पे, फिर 3 महीने का मेंटेनेंस लिया, उसके बाद भी शायद उनके पास पैसे कम पड़ रहे थे टू काइंड ऑफ मेक दिस प्रॉपरली यू नो लिट। तो अगर इस प्रकार से ये जो वायरिंग आप देख रहे हैं, किसी का पैर लगे तो वो इंसान गिर सकता है, उसको लग सकती है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। सो इसकी प्रॉपर फुटेज सुबह दिखाऊंगी। ये देखिए, ये वायर ऐसे जाता है और इस तरह से लगा हुआ है बहुत महीनों से। इनफैक्ट दिवाली के बाद ये करा गया था और अभी तक ऐसे ही कनेक्शन है। पता नहीं जो पैसा लिया है मेंटेनेंस का, कोई बड़ा बुजुर्ग बच्चा वो लाइट के वायर के ऊपर से ट्रिप हो सकता है, उसको चोट लग सकती है, मगर आप लोग तो तभी सीखेंगे जब लोगों को चोट आएगी, क्योंकि उसके पहले तो आप लोगों को सीखना नहीं है। मगर हाँ, पायल अगर अवेयरनेस क्रिएट करे, लीगल पॉइंट्स के ऊपर बात करे, तो पायल की टोनैलिटी खराब है। क्यों? बिकॉज पायल औरत है, पायल अपने अपना पक्ष नहीं रख सकती, पायल अपने पॉइंट ऑफ व्यू उसको नहीं रख सकती। ओ, पायल उम्र में छोटी है इसलिए उसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मगर अगर वो उम्र में भी छोटी है आपके मोस्ट लॉयर से, मगर अगर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रिस्पेक्टफुली रख रही है एज पर द नॉर्म्स ऑफ द लैंग्वेज, देन आपको क्या आपत्ति है? आपको प्रॉब्लम है बिकॉज पायल एक औरत है। 2 दिन लगे आपको पायल को वो उस ग्रुप में इंक्लूड करने के लिए। उसके बाद पायल ने जब पहली बार एक मैसेज अपने नाम से टाइप किया, आपको उसकी लैंग्वेज समझ नहीं पड़ी। क्यों नहीं समझ पड़ी? आप डम है, आपका दिमाग कम चलता है, मुझे तो यही लगता है। मगर मैं आपको तवज्जो नहीं दूंगी आपका नाम लेके। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि दुनिया भर के अंदर, दुनिया भर छोड़िए, भारत के अंदर जितने भी सोसाइटी वाले हैं, वो अगर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं अपनी कमिटी के अंदर, अपनी कमिटी से अपनी सोसाइटी के अंदर, और वो अपना जीवन नहीं जी पाते जैसे उनको जीना है, वो सब आवाज़ उठाए। लेट्स वर्क टूवर्ड्स इरेडिकेटिंग दिस बायलॉज जो ऑब्वियसली फैमिली लॉज के नाम में एक इंडिविजुअल, एक भारतीय नागरिक के राइट्स छीनने का प्रयास करते हैं। बिकॉज देखिए, मैंने देख लिया है मेरे सोसाइटी वालों के दिखाने के दांत कुछ और है, खाने के दांत कुछ और है। जब हम लीगल बात कर रहे हैं तब उनको बैठ के कुछ और बात करनी है। हम लीगल बात कर रहे हैं ना, हम लॉयर नहीं है, हम लीगल चीजें समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें शांति से जीना है। मगर आप हमारे लीगल पॉइंट्स को एड्रेस नहीं कर रहे, आप बात घुमा रहे। क्यों बात घुमा रहे? आप हमारे शेयर सर्टिफिकेट हमें दीजिए, आप हमें सोसाइटी में लीगली एडमिट करेंगे, तभी जाके हम आपको मेंटेनेंस दे सकेंगे। आपने हमसे जो अभी तक का मेंटेनेंस का पैसा लिया, डेवलपमेंट फंड का पैसा लिया, वो इलीगली लिया, क्योंकि हम मेंबर है ही नहीं सुंदरवन एपिटोम कोऑपरेटिव हाउसिंग सर्विस सोसाइटी के अभी तक, क्योंकि हमने कोई फॉर्म नहीं साइन किया और हमको शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिला। तो देखिए, आप है ना, इतना भी हमें बेवकूफ मत समझिए, क्योंकि आप है ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट होंगे, मैं नहीं हूं। मैं लाइफ में अगर गलतियां भी करती हूँ तो सीख जाती हूँ, मगर ऐसे आंख बंद करके आप पे विश्वास नहीं करूंगी आज के बाद। क्योंकि अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ तो मतलब मैं बैड टोन से बात कर रही हूँ। एक्सक्यूज मी, जब तक मैंने कोई गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया है, रिस्पेक्टेड सर करके एड्रेस किया है उन लोगों को जिनको मुझे एड्रेस करना है, तो मुझे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखने का राइट है। डोंट टारगेट मी बिकॉज आई एम अ वुमन, डोंट टारगेट मी बिकॉज यू आर जेलस ऑफ माई आइडेंटिटी। दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू टेल द सो कॉल्ड rich committee members or of this society. Don't do that.